वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बनाएंगे रवा इडली। पर उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। तो रवा इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। रवा इडली के लिए हमें चाहिए रवा। यहाँ पे हमने एक बड़ा कप रवा लिया हुआ है और जितना हम रवा लेंगे उसी के रेशियो में हमें दही भी चाहिए। और साथ में यहाँ पे अगर आपके पास इनो हो तो आप इनो का यूज कर सकते हैं, वरना आप बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और ये नमक है और इडली में थोड़ा सा हम तड़का भी देंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे राई, हींग और थोड़ा सा ऑयल लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस इडली के लिए बैटर बना के उसका सबसे पहले एक बाउल में ये सूजी हम डाल लेंगे और उसी के साथ साथ दही भी हम इसमें डालेंगे। पहले सूजी के साथ दही को अच्छे से मिलाएंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक अच्छा बैटर बनाएंगे, जैसा कि हमें इडली में यूज करना पड़ता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। थोड़ा पानी और डालते हैं। और अब इसको अच्छे से फेंटेंगे। अभी बैटर हमने रेडी किया है, थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे। इसको वापस से मिलाकर नमक को, और क्योंकि ये अभी हमें 30 मिनट के लिए रखना है, तो जब दही और रवा हमने मिलाया है तो वो थोड़ा सा रवा भी इसमें फूलेगा, अभी सूजी फूलेगी काफी, तो अभी हमने इतना पतला इसको रखा हुआ है देखिए। तो अभी हम इसको ढक देंगे 30 मिनट के लिए और उसके बाद में फिर इसमें देखेंगे ये कितना फूलता है और उस हिसाब से फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इसको हम ढक के 30 मिनट के लिए रख देते हैं। 30 मिनट हो गए हैं, अब इसे ओपन करके हम चेक करते हैं और हमें ये देखना है कि जो इडली के लिए हमने बैटर बनाया है वो उसकी कंसिस्टेंसी सही है या फिर उसमें हमें पानी ऐड करना है। तो ये देखिए बिल्कुल सही है। तो अब इसमें हम तड़का लगा देते हैं। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, पर यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी। तो तड़के की तैयारी का तड़के के लिए थोड़ा सा ऑयल हम गर्म करेंगे और उसमें ये राई डालेंगे हम। बाद में इसमें ये घी ऐड करेंगे और अब इस तड़के को उठा के जो इडली का बैटर हमने बनाया है उसमें डाल देंगे। इसे मिला देते हैं और ये इडली का बैटर बनके रेडी हो गया है। तो अब हम इडली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब ये बैटर हमारा रेडी है, तो अब इडली हम माइक्रोवेव में बनाएंगे, तो इसलिए इडली मेकर भी ये हमने ले रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो नीचे का इसका सबसे पोर्शन है इसमें हम 1 से 1.5 कप के करीब पानी डाल देंगे और उसके बाद में तो गर्म पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें जो इडली का बैटर हमने बना के रखा हुआ है तो इस अब बनाते टाइम पे ही हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। आप इनो का भी यूज कर सकते हैं। पाउडर डालने के बाद में इसको अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद में ये जो इडली के इडली मेकर के ये जो जिसमें हम इडली बनाते हैं ये इसको हम पहले ग्रीस कर लेंगे हल्का सा। तरह से एक बार में इसमें 8 इडली बनके रेडी होंगी। तो इडली मोड को पहले ये एक मोड को हमने ग्रीस कर लिया है, अभी सेम इसका जो दूसरा मोड है उसको भी हम ग्रीस कर लेते हैं।
ग्रीस करना बहुत ही जरूरी होता है, इससे इडली जो है बनने के बाद में बहुत ही आसानी से इसमें से निकल आती है। तो देखिए इस तरह से हमने ग्रीस कर लिया इसे, तो अब इसमें जो बैटर हमने बना के रखा है वो हम इसमें डालेंगे। तो इडली बनाना हम स्टार्ट करते हैं और मोड भी हमारे रेडी हो गए हैं ग्रीस करके, तो अब मोड में हम बैटर भरेंगे इडली का। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर हमें रखना है, थोड़ा खाली रखना है हमें ऊपर से, क्योंकि इडली को बेक करेंगे, इडली काफी अच्छे से फूलेगी, स्पंज होगा इडली में। ये एक मोड हम बना के पहले इस तरह से रखेंगे, फिर दूसरे मोड में भी इसी तरह से बैटर लगाएंगे। इडली मोड में हमने बैटर रख के रेडी कर लिया है बिल्कुल, माइक्रोवेव में अब इसे रखेंगे हम। और ज्यादा मिनट तक हमें इसको माइक्रोवेव में नहीं रखना है, 100% पावर मोड पे इसको 3 मिनट के लिए हम खाली बेक। इडली को हमने रख दिया है माइक्रोवेव में, अब इसको 100% पावर पे 3 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं और इसमें इडली बनके रेडी हो गई है, तो अब इसे निकाल लेते हैं। ये इडली हमने निकाल ली है माइक्रोवेव से, इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद हम इसे प्लेट में निकालेंगे। अब इसमें से हम इडली निकाल लेते हैं, ठंडा हो गया है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया इडली बनके तैयार हुई है, बहुत ही आसानी से निकल रही है इसमें से। तो इसी तरह से हम सारी इडली अभी निकाल लेते हैं। इडली बनके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।